साथियों, आरएएस मेंस भर्ती परीक्षा 2018 जो 3 बार स्थगित की जा चुकी थी, अब उसकी तिथि को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास है, जिसमें लगभग 22,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसकी तिथि को लेकर हम आपको प्रमाणित खबर देंगे। लेकिन सबसे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस मुख्य परीक्षा और प्राध्यापक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 की तिथियां तय करने में जुटा हुआ है। इस मामले में अध्यक्ष ने आंतरिक कमेटी को यूपीएससी, बैंक, कर्मचारी चयन आयोग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों का अवलोकन करने को कहा है, ताकि आयोग को ये अहम परीक्षाएं कराने में दिक्कत नहीं हो। आयोग को आरएएस मेंस 2018 में 22,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 23-24 दिसंबर को होनी थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट की विभिन्न याचिकाओं में दायर अंतरिम आदेशानुसार आयोग ने विस्तारित परिणाम जारी किया था। इसमें ओबीसी और एमबीसी वर्ग के 7145 के अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। बाद में 105 नॉन टीएसपी और सरकारी कार्मियों को भी इसमें शामिल किया गया था। अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने 29 और 30 जनवरी को परीक्षा कराना तय किया, लेकिन स्थिति को लेकर भी धरने प्रदर्शन शुरू हो गए और कैबिनेट की अनुशंसा पर आयोग ने फुल कमीशन की बैठक बुलाकर परीक्षाएं स्थगित कर दी। इसी तरह प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 का आयोजन 25 से 23 जनवरी तक होना था, यह परीक्षा भी अभ्यर्थियों के धरने प्रदर्शन के चलते स्थगित की गई है। अब इन दोनों परीक्षाओं को नई तिथियां जारी होनी हैं, ताकि नहीं टालनी पड़ी तिथि। आयोग अध्यक्ष का मानना है कि हजारों अभ्यर्थी यूपीएससी, बैंक, कर्मचारी चयन आयोग व अन्य भर्ती परीक्षाओं में बैठते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं अभ्यर्थियों के लिए अहम है, लिहाजा इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तिथियों का चयन होना चाहिए, ताकि बाद में परीक्षा कार्यक्रम स्थगित नहीं करना पड़े। अध्यक्ष ने कहा, करें अवलोकन, आंतरिक कमेटी में पिछले दिनों दोनों परीक्षाओं की तिथियों से जुड़ी पत्रावली भेजी है। कमेटी में यूपीएससी की आईएएस परीक्षा के आसपास दोनों परीक्षाएं कराने का सुझाव दिया है। इस पर अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने उन्हें वापस पत्रावली भेजी है। अध्यक्ष ने कमेटी को यूपीएससी, बैंक और कर्मचारी चयन आयोग, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, विश्वविद्यालय बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों का अवलोकन, केंद्रों की उपलब्धता सहित अन्य बिंदुओं पर विचार करने को कहा है।